अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को 11वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई कांडी। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। 300 ग्राम्स के करीब चिकन लेंगे हम यहाँ पर। उसे हम मीडियम साइज के पीसेस में कट कर लेंगे। इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च को दरदरा सा पीस लिया है। 7 से 8 हरी मिर्च यूज़ की है मैंने इसमें। फ्रेंड्स, इसे मैरिनेट करने के लिए हमें हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करनी है, क्योंकि फ्राई करने के बाद इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। एक चम्मच जीरा पाउडर जाएगा इसमें। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। दो चम्मच भर के हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा अमूल फ्रेश क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम को मैंने एक छोटे बोल में निकाला है, ये 3 चम्मच है, वो इसमें ऐड करेंगे। तीन चम्मच दही ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए दही। नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। सारी चीज़ों को हम चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे से पहले इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 2 घंटे से ज़्यादा भी रखेंगे आप तो चलेगा। चिकन को लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे वुडन स्क्यूअर्स में भरेंगे। सारे चिकन को हमने स्क्यूअर्स में भरकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक नॉनस्टिक फ्राई पैन में मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें चिकन के स्क्यूअर्स को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल ही लो मीडियम होनी चाहिए। एक तरफ से 5 मिनट, फिर से दूसरी तरफ से 5 मिनट, ऐसे 10 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। हर थोड़ी देर में फिर भी हमें नीचे से इसे चेक करना होगा, नहीं तो ये जल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्रीम और दही ऐड किया है। चिमटे और चम्मच की मदद से हम इसे पलट देंगे।
माशाल्लाह इसका कलर देखिए, एक बेहतरीन सा गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही कलर आने तक हम इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। चिकन कांडी हमारी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी एक क्रीम रेडी कर लेंगे। एक नॉनस्टिक बर्तन में एक बड़ा चम्मच भर के हम बटर ऐड कर लेंगे। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसमें अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। 2 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। बटर और क्रीम को बहुत ही अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमारी क्रीम भी बिल्कुल रेडी हो गई। इस क्रीम को अब हम सारे चिकन के स्क्यूवर्स पर डालेंगे। माशाल्लाह ये खाने में इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस लग रही थी, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली बटर और क्रीम का जो कॉम्बिनेशन है वो चिकन के साथ बहुत ही डिलीशियस लगता है। हमारी डिश को एक कंप्लीट लुक देने के लिए हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश करेंगे, जिससे कि हमारी डिश बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसे और चटपटा बनाने के लिए हम इसके ऊपर नींबू का रस ऐड करेंगे। सो गाइज, ये रही हमारी चिकन मलाई कांडी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी थी। बहुत ही यूनिक और बहुत ही न्यू रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे इफ्तार में। जैसे हमारे मुंबई के मीनारा मस्जिद पे मिलती है, बिल्कुल वैसी ही बनी है ये। इस टेस्टी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।